नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सृजन आर्किटेक्ट की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस बेहतरीन से हाउस डिजाइन के बारे में और इसके हाउस प्लान के बारे में, किस तरीके से हमने इसे डिजाइन किया है, क्या क्या लागत लगेगी इसको कंस्ट्रक्ट करने में, किस तरीके से हमने इसे प्लान किया है, इसके रूम साइजेस के बारे में, सब चीज के बारे में आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही अमेजिंग हाउस एलिवेशन एंड डिजाइन की वीडियो रेगुलरली हमारे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं इसके 3D प्लान की तरफ। दोस्तों बात करें इसके प्लान डिटेल के बारे में तो हमारा ये प्लॉट साइज मिल जाता है आपको 23 फीट बाय 27 फीट के प्लॉट एरिया पर, मीन 70 गज का आपका ये प्लॉट रहने वाला है, जिसमें हमने टोटल बिल्टअप किया है 621 स्क्वायर फीट का। इसमें आपको सिर्फ ग्राउंड फ्लोर देखने को मिलता है दो बेडरूम के साथ। गांव में घर का नक्शा ये आपका बेहतरीन सा रहने वाला है। इसमें हमने दो बेडरूम, एक टॉयलेट, एक ड्राइंग रूम, एक किचन स्पेस प्रोवाइड किया है। साथ ही अंदर से इसमें स्टेयरकेस आपको देखने को मिल जाती है। एंड जो इस कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आपको देखने मिलती है 8 से 9 लाख के बीच में रहने वाली है। बात करें पार्किंग स्पेस की तो हमने इसमें कोई भी पार्किंग स्पेस नहीं प्रोवाइड किया अंदर की साइड। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका 3D प्लान आपको देखने को मिलता है। यह हमने डिजाइन किया है 23 फीट बाय 27 फीट के प्लॉट एरिया पर। इसमें आपको टोटल 12 कॉलम देखने को मिल जाते हैं जो कि ग्रिड में प्लेस्ड हैं। कुछ इस तरीके से आपका इसका कॉलम रहने वाले हैं। स्टेयरकेस आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके से स्टेयरकेस चढ़ाई हुई है। यह हमारा जो 3D प्लान रहने वाला है, इसमें आप ऐड करते हैं ऊपर के लेवल्स तो देखिए कुछ इस तरीके से इसमें हमने प्लानिंग की है। आप देख सकते हैं इसमें आपको स्पेसेस क्लियर हो रही होंगी। अब इसमें ऐड कर लेते हैं डोर एंड विंडो। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये हमारा डोर एंड विंडो ऐड होने के बाद हमारा ये एलिवेशन आपको देखने को मिलता है। इसमें हमने तीन साइड से विंडो प्रोवाइड किए, पीछे की साइड हमने इसका एलिवेशन प्लेन रखा हुआ है। हम ये आपको ब्रिक में दिखा रहे हैं, ब्रिक वर्क में दिखा रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग सके किस तरीके से हमने इसे डिजाइन किया है, किस तरीके से बीम कॉलम का रहने वाला है इस प्लेसमेंट। चलिए अब इसमें बात कर लेते हैं इसकी प्लानिंग के बारे में। सो दोस्तों अप्रॉक्स रोड लेवल से 1.5 फीट ऊपर लेने के बाद हमने इसे प्लान किया हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने इसमें रैंप प्रोवाइड किया है। हम मेन एंट्री गेट से एंटर करते हैं, 4 फीट वाइड हमारा मेन एंट्रेंस गेट आपको देखने को मिलता है। इससे हम एंटर करते हैं लिविंग हॉल में। लिविंग हॉल का साइज आपको देखने मिलता है 10 फीट बाय 10 फीट 3 इंच का, आपकी ये बैठक रहने वाली है। ये साइड आपको एक और गेट देखने को मिलता है जो कि 3.5 फीट वाइड है। जिससे हम एंटर होते हैं तो हम पहुंचते हैं किचन एरिया में, जो कि हमारा रहने वाला है 10 फीट 9 इंच बाय 7 फीट 3 इंच का आपका एक किचन रहने वाला है। इसकी वेंटिलेशन विंडो की बात करें तो हमने दो साइड पे वेंटिलेशन विंडो प्रोवाइड किया, तो लाइट का कोई भी इश्यू आपको इसमें नहीं देखने को मिलता है। आगे की साइड चलते हैं तो हमें एक और यहाँ गेट देखने को मिलता है, जिस जो हमारा टॉयलेट एरिया अंदर का स्पेस देखने को मिलता है, जो कि हमारा रहने वाला है 6 फीट बाय 4 फीट का। एंड कुछ इस तरीके से सामने दो साइड डोर देखने को मिलते हैं जो कि हमारे रहने वाले हैं दोनों बेडरूम। एक बेडरूम हमारा साइज रहने वाला है 10 फीट बाय 10 फीट का। एंड ये वाला बेडरूम हमारा जो है इसका साइज आपको देखने को मिलता है 10 फीट 9 इंच बाय 10 फीट का। कुछ इस तरीके से इसमें हमने यहाँ पे ये साइड हमने इसकी विंडो प्रोवाइड की है एंड इसकी यहाँ पे इस साइड विंडो प्रोवाइड की हुई है। दोस्तों अब इसमें ऐड कर लेते हैं जो हमने विंडो के प्रोजेक्शन प्रोवाइड किए हैं, किस तरीके से वो आपको देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरीके से आपके विंडो के प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलते हैं जो कि फ्रंट एलिवेशन में आपको एक अच्छा सा लुक प्रोवाइड करते हैं। अब इसके ऊपर के लेवल्स की बात करें तो चलिए वो ऐड कर लेते हैं। ये हमारा विंडो के ऊपर का लेवल, वॉल्स एंड ये हमारा बीम स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं रहने वाला है। अब इसमें बात करें ये हमने जो आगे की तरफ 3.5 फीट का प्रोजेक्शन दिया हुआ है, इसके लिए हमने आगे जो कॉलम प्रोवाइड किए वो ऐड कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे कॉलम आपको देखने को मिलते हैं जो कि एलिवेशन को एक और बहुत ही बेहतरीन सा लुक प्रोवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं ब्रिक एलिवेशन में किस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है। बात करते हैं ऊपर के लेवल्स की। ये हमारा टेरेस, सेम 4 कॉलम हमारे जो नीचे थे वही ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए हमने इसे ब्रिक में आपको दिखाया ताकि आपको थोड़ा चीज़ें क्लियर हो सके। देखिए सीधा आपका ऊपर तक चलने वाला है एंड इसके नीचे जो हमारे कॉलम थे ये भी ऊपर तक आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अब इसमें मम्टी बॉक्स कुछ इस तरीके से हमारा मम्टी बॉक्स रहने वाला है। ये हमारी लॉन्ग विंडो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्लान की है। अब यहाँ पे डोर एंड विंडो की प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से डोर एंड विंडो की प्लेसमेंट। अब इसका विंडो का जो हमने प्रोजेक्शन सेम, ये हमारा विंडो फ्रेम कुछ इस तरीके से एंड पैरापेट वॉल आप देख सकते हैं। अब जो हमने पैरापेट वॉल में डिजाइन दिया है वो ऐड कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी पैरापेट वॉल पे हमने डिजाइन दिया हुआ है कॉलम के साथ। काफी बेहतरीन सा लुक इसका आपको देखने को मिलता है। दो बेडरूम के साथ हमने डिजाइन किया था।
इसका एक फाइनल लुक आपको देख लेते हैं किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से इसकी रूफ एंड इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का बेहतरीन सा 23 फिट बाय 27 फिट में डिजाइन किया गया 2 BHK के साथ आपका विलेज में हाउस कंस्ट्रक्शन। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड अगर आपके कोई डाउट्स हैं इस डिजाइन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही अमेजिंग हाउस एलिवेशन एंड डिजाइन की वीडियोस रेगुलरली हमारे चैनल पर देखने के लिए हम आपके लिए डेली ऐसी अमेजिंग हाउस एलिवेशन एंड डिजाइन की वीडियोस अपने चैनल पर वीडियो फॉर्मेट में आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको ऐसे ही अमेजिंग हाउस एलिवेशन एंड डिजाइन की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।